राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल बीएस धनोआ ने पाकिस्तान के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हमारी इंडियन एयर फोर्स ने पेड़ों पर बम गिराए हैं तो फिर पाकिस्तान का हम पर जवाबी हमला क्यों हुआ। बीएस धनोआ ने देश की उन राजनीतिक पार्टियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इंडियन एयर फोर्स ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हमले में मारे गए लोगों की गिनती करना ये सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। मार्शल बीएस धनोआ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारा जो मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान में जाकर आतंकी ठिकानों पर हमला करना और हमने उसको पूरा किया। मारे गए लोगों की गिनती करना हमारे मिशन में शामिल बिल्कुल नहीं था। गौरतलब है कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमलों में देश के 44 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा नजर आ रहा था और देश इस बात का जवाब नरेंद्र मोदी से और केंद्र सरकार से बार बार मांग रहा था कि 44 जवानों की शहादत का क्या होगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को यह आश्वासन दिया था कि इस हमले का जवाब पाकिस्तान को जरूर दिया जाएगा। वहीं पुलवामा में हुई इस घटना के बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तानी कश्मीर यानी कि पीओके स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें निशाना बनाया था, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था और पाकिस्तान ने जवाब देने की धमकी दे डाली थी। लेकिन इससे पहले कि पाक कोई बड़ा कदम उठाता, भारत के ही राजनेताओं ने शहीद हुए जवानों की शहादत पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि जो 250 आतंकी मरने का दावा केंद्र सरकार कर रही है उसका क्या सबूत है। इसी सवाल का जवाब देते हुए एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने स्पष्ट शब्दों में सोमवार को कहा कि हमारा जो मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान में जाकर आतंकी ठिकानों पर हमला करें और उसको हमने पूरा किया। मारे गए लोगों की गिनती करना ये हमारा मिशन और ये हमारा काम कतई नहीं था। बहरहाल ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी कौन सी न्यूज एजेंसी है जिसके बिना पर केंद्र सरकार ये खबर दे रही है और ये इन्फॉर्मेशन देश में फैला रही है कि 250 आतंकी मारे जा चुके हैं। इसी बात को पूछते हुए कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, मोदी जी इज इंटरनेशनल मीडिया, और नीचे उन्होंने लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन बेस्ड वॉशिंगटन पोस्ट, डेली टेलीग्राफ, द गार्डियन और रिटर्न्स, इन बड़ी न्यूज एजेंसी ने जो कि इंटरनेशनल मीडिया कहलाती हैं अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की और ना ही इस खबर को बताया है कि 250 आतंकी पीओके में मारे गए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।